18 साल का था जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रग लिया। महीने डेढ़ महीने का गैप, फिर उससे थर्ड टाइम जब ट्राई किया वो 15 दिन का गैप हो गया। 15 से 7 दिन पता ही नहीं लगा, 7 दिन से करता करता कब दिल्ली पहुंच गया। सब कुछ मेरा ड्रग्स के आसपास ही सिमट के रह गया। मेरे फादर ने तो मेरे को मेरे से बात करनी ही छोड़ दी थी, उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने मेरे को, उनको मेरे से बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। उन्होंने मेरे को एक बड़ा अच्छा, मेरे लिए प्लेटफॉर्म सेट किया था, मेरे को बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाया था। मेरे फादर बीमार थे, वो PGI में एडमिट थे। उसी टाइम मैं सुबह टॉयलेट में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे मदर आके बोल रही है कि वो कपड़े चेंज करने हैं फादर के। मैं बोला बस अभी आया, यूज़ कर रहा था टॉयलेट में मैं। 10-15 मिनट बाद साथ वाले वो बेड पे एक कोई था, उनकी वाइफ आके बोली कि तेरे डैडी की तबीयत ख़राब हो रही है तो आ जा। तो मेरे को लगा कि मैं उस टाइम फटाफट उठा, और मैं, मेरे ख्याल जब मेरे को मेरी मदर फर्स्ट टाइम बुलाने आई थी और मेरे फादर ख़त्म हो चुके हुए थे उस टाइम, तो उस टाइम भी समझ नहीं आ रही थी मेरे को, एंड नहीं लग रहा था कि ये बस हो चुकी है, वापस आ जा। मेरे को ये होता था कि रात को इतना यूज़ कर लूँ कि सुबह नींद ही ना खुले। और एक छोटा सा बच्चा होता था हमारे लोकेलिटी में, वो बड़ा हो गया, वो कुछ उससे झगड़ा झुगड़ा हुआ मेरे भाई का। मैं वैसे ही कि जैसे मैं दिमाग से तो मैं वैसे ही था लड़ाका कि स्ट्रॉन्ग मेरे को लगता था। मेरे को याद है उसने मेरे को धक्का मारा, मैं इतनी दूर जाके गिरा और मेरे को शायद फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ था कि तू ख़त्म है। उसी टाइम के आसपास कोई एक मेरा फ्रेंड नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर ही मेरे घर आया, और उसने मेरे को, पता नहीं मेरे को तो वही लगता है कि रब नहीं भेजा था उसको। मैं रोज़ मीटिंग जाता था, मीटिंग में शेयर नहीं करता था, थोड़ा बहुत कुछ कर देता था, और मैं यही करता था प्रेयर की मेरे को कल भी ले आई हो। मैं कॉन्टीन्यूसली मीटिंग आ रहा था और मेरे को 11-11.5 महीने क्लीन हो गए थे। 10-15 दिन मैं मीटिंग्स नहीं जा पाया, तो 10-15 दिन ही मेरी लाइफ को दोबारा वापस उसी रास्ते पे ले जाने के लिए काफ़ी थे। और दोबारा नारकोटिक्स एनोनिमस में वापस आने के लिए मेरे को 7.5 साल लगे। पूरी दुनिया में कहीं भी आप जा रहे हो, आप NA.ORG पे सर्च मारिए कि मैं इस टाइम इस शहर में हूँ, इस शहर में या इस शहर के आसपास कहाँ मीटिंग हो रही है, वो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। एक सुजेशन है कि आप 90 डेज 90 मीटिंग्स लगा के देखिए, ड्रग का ख्याल सब कुछ निकल जाएगा। आज की डेट में मेरे को ड्रग का थॉट भी नहीं आता लाइफ में, चाहे कुछ अच्छा चल रहा हो बुरा चल रहा हो, मेरे को कभी नहीं आता।